वेदभीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वध्यायानं नमो लोये सर्वसाहूनं चत्तारी मंगलं तामलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केलिपनत्तो धम्म मंगलं चत्तारी लोत्मा रंता लोत्मा सिद्धा लोत्मा साहू लोत्मा केलिपनत्तो धम्म लोत्मो चत्तारी सनबोध्यामि तेष नबोध्यामि सिद्धेश नबोध्यामि साहू सनबोध्यामि शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते पच्छिनाशे दोषकर्मसाय दिवते जो मूर्ति नमसि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्पकृच्छितोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्यावसा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट कीटिं कीटिं घाते घाते परिघ्नान स्फुट स्फुट सस्कंदान कुरु कुरु। परमुद्रान छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्द छ छ वूमपट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं अर्हम अस्यावसान हाद्विद्याय नमो अरिहंतानं रौं सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आ ह्रां श्री ह्रीं आहुरूं ओह रौं सहरजिघातविनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकोर सत्प्रातिहार मणिताय अशोकोर सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय लर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पिष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्पिष्टि सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय बमलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय लर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार मणिताय चामृतोलन सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय लर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय गमलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय जमलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभी सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभी सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय सिमलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत्र सत्प्रातिहार मणिताय छत्तत्र सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय कमलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय विजयाष्टमंडल मणिताय सर्वघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहं नमो जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो हि जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो परमो हि जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो सर्वो हि जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो अनंतो हि जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो कोठ बुद्धिनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो बीज बुद्धिनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो पदानुसारिनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो संभिन्नोदार ओम ह्रीं अरहं नमो मन बलि
पदीनम ओम ह्रीं मरम नमो खीन महानशानम ओम ह्रीं मरम नमो बद्धमानानम ओम ह्रीं मरम नमो लोए सब सिद्धाय धरानम ओम ह्रीं मरम नमो भवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिशनम चेदी सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भवदो बद्धमान सरिषसजस्चकम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भयानम जीवावादिवार रंगनेवा सबनेवा मोनेवा सब्जी सत्तानम राज दो बहुदु में रख रख स्वाहा श्री शांति रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्यश्वर्याभिवृद्धि ओम ह्रीं अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेप लेवर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा प्रभा देवी मुंबई 4002 5। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर्षी सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। संसार में अनेक तरह के लोग हम सबको मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है, हमें अपनी ओर खींचता है और अंदर तक प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति का हर कोई प्रशंसक और अनुगामी बनने को लालायित हो उठता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनने का भी मन नहीं होता, उसे कोई पसंद नहीं कर पाता, उसके प्रति किसी की लाइकिंग नहीं होती। सवाल है किसके प्रति आकर्षण खिंचाव और किससे अनाकर्षण अलगाव। अगर देखे तो एक नन्हा सा बच्चा होता है, वो सभी के आकर्षण का पात्र होता है, लेकिन बड़े होने पर कुछ तो हमारे प्रिय बने रहते हैं या कुछ की प्रीता और बढ़ जाती है और कुछ एकदम अप्रिय लगने लगते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की मूल वजह व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व मधुर होता है वो सभी का प्रिय पात्र बन जाता है, और जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व कटुक होता है उसे कोई पसंद नहीं करता। व्यक्तित्व जन्मजात नहीं होता, जन्म व्यक्ति का होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्ति और व्यक्तित्व में उतना ही अंतर है जितना कि मिट्टी के लौंधे और मंगल कलश में। मिट्टी के लौंधे में अनेक संभावनाएं हैं,
उस मिट्टी के लौंधे से मंगल कलश भी बनाया जा सकता है, तो शराब की कुल्हड़ भी। संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति एक मिट्टी का लौंधा है, और आगे चलकर वो मंगल कलश का रूप ले या शराब की कुल्हड़ बने, यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। हमारा व्यक्तित्व हमारी जीवन शैली पर निर्भर करता है, और हमारी जीवन शैली, हमारी सोच, व्यवहार और प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है। गुरुदेव व्यक्तित्व को मधुर बनाने की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं, मधुर बनो, दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय है। बड़ा गहरा संदेश है। गन्ने का आप सेवन करो तो उसमें मशक्कत बहुत करनी पड़ती है। कई बार लोगों के लिए गन्ना चबाने में मसूड़े छिल जाते हैं, कईयों के तो दांत भी उखड़ जाते हैं। बल्कि पहले तो ऐसा होता था, लोगों की दांतों की परीक्षा के लिए गन्ना दिया जाता था। जिनके दांत नहीं वो गन्ना का स्वाद नहीं ले पाते, रस भले पी लें। लेकिन इसके बावजूद कि गन्ना दांत को नुकसान पहुंचाता है, तोड़ता है, फिर भी गन्ना लोगों के लिए प्रिय है। क्यों? क्योंकि उसमें मधुरता है। अगर मनुष्य के जीवन में अच्छाइयां आ जाए और जीवन व्यवहार में माधुर्य प्रकट हो जाए, तो उसके यदि कुछ दुर्बलताएं भी होगी तो वो गौण हो जाएगी और वह सभी का प्रिय पात्र बनेगा। दूसरी ओर नीम को देखो, नीम को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? उसमें माधुर नहीं, कड़वापन है, कटुकता है। गुरुदेव कहते अपना जीवन, अपना जीवन गन्ने की भांति मधुर बनाओ, जिसके रग रग में मधुरता है। आज उसी माधुरी का संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूं। जीवन में माधुर्य आए, समग्र जीवन में माधुर होना चाहिए। कहां कहां मधुरता हो, व्यक्तित्व को मधुर बनाने के लिए हमें क्या करना है? चार प्रकार से माधुर्य अपने जीवन में प्रकट करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, विचारों में मधुरता। दूसरी बात, दृष्टि में मधुरता। तीसरी बात, भाषा में माधुर्य। और चौथी बात, व्यवहार में मधुरता। विचार, दृष्टि, भाषा और व्यवहार, चारों स्तर पर माधुर्य होना चाहिए। सबसे पहले हम अपने विचारों की पड़ताल करें। तुम्हारे विचार कितने मधुर हैं, बोलो। कभी सोचा किसी व्यक्ति से कहो, भैया तुम्हारे विचार बड़े मधुर हैं, चेहरा खिल जाएगा। खिलता है कि नहीं? पर देखो तो सही, मधुर हैं कि वो मक्खन लगा रहा है? किस विचार को मधुर कहेंगे और कौन सा विचार कड़वा है? आपके पास कोई कसौटी है?
जिस विचार में पवित्रता है वो मधुर है और जब अपवित्र है वह कटुक है। अपने विचारों की पवित्रता के प्रति आप कितने जागरूक हैं ये आपको देखने की जरूरत है। मैं जब पढ़ता था ट्यूशन पढ़ने गया, हमारे अध्यापक ने अपने घर के बाहर 3 शीशम के पेड़ लगाए। उन्होंने हम लोगों से पूछा, ये बताओ 20 साल बाद इस पेड़ की स्थिति क्या होगी। मेरे एक साथी ने कहा, महाराज सर 20 साल में 3 पेड़ 1-1 लाख के हो जाएंगे। एक ने कहा, सर ये पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके घर का रास्ता रुक जाएगा। मुझसे पूछा तो मैंने कहा, सर 20 साल में ये पेड़ इतना बड़ा होगा कि इससे यहाँ के आसपास का पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा, सबको छाया देगा और यहाँ के वातावरण को शुद्ध करेगा, मोहल्ले की शान बन जाएगा। उस समय मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था, मेरे मुख से अनायास ये शब्द निकले थे, पर उन्होंने उस समय जो मुझसे कहा था वो शब्द मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विचार बहुत उत्तम है, तुम्हारे विचार तो किसी संत जैसे विचार हैं। मुझे नहीं मालूम था कि कल क्या होगा। मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूं, चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। एक सोच है जो बड़ी कैलकुलेटिव होती है, जोड़ घटाओ से चलने वाली सोच। ऐसा व्यक्ति बाजारू सोच रखता है, उसकी सोच व्यापारिक होती है, वो व्यक्ति केवल अपने लाभ की बात करता है क्योंकि उसकी सोच लाभ और हानि से जुड़ी हुई है, वो कैलकुलेटिव सोच मधुर सोच नहीं मानी जाएगी। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी, मौकापरस्त और मतलबी किस्म का होता है। व्यापार व्यवसाय के समय में लाभ हानि की बात सोचना तो फिर ठीक, फिर भी ठीक है, लेकिन हर जगह अपना नफा नुकसान देखने वाला मनुष्य भरोसे के लायक नहीं होता। दूसरी सोच होती है जो केवल कैलकुलेशन की बात नहीं करती, कॉपरेशन की बात करती है, कॉपरेटिव सोच, जहां केवल अपने लाभ हानि की बात नहीं देखना, औरों को लाभ पहुंचाने की बात करना, ये कॉपरेटिव सोच है। व्यवहारिक जीवन में इसकी बड़ी आवश्यकता है। अपने मन से पूछो, तुम केवल अपने लाभ की बात करते हो या औरों के भले की बात भी सोचते हो। यदि तुम्हें केवल अपना लाभ दिखता है, दुनिया जाए भाण में, तो अभी तुम्हारा जीवन स्तर बड़ा निम्न है ऐसा समझना चाहिए। लेकिन अपने लाभ के साथ औरों के लाभ का विचार यदि तुम्हारे मन में है तो कुछ ऊपर हो, तुम्हारा व्यक्तित्व एक कोऑपरेटिव व्यक्ति की भांति विकसित हो सकता है, कोऑपरेटिव व्यक्तित्व। तीसरे स्तर पर है कंस्ट्रक्टिव सोच, रचनात्मक दृष्टि, जहां
केवल लाभ की बात नहीं, लाभ और हानि की बात नहीं, अच्छे और बुरे की बात हो, जो ऊंचे दर्जे की सोच है, जहां हम अच्छे और बुरे की बात सोचे, लाभ हानि की बात कोई भी सोच सकता है, लेकिन अच्छे और बुरे की बात कोई बिरला सोचता है। मुझे हमेशा अच्छे की बात सोचना है, अपने अच्छे की, औरों की भी अच्छे की, सबके अच्छे की बात सुनना और सबसे अच्छा रखना। अगर सबकी अच्छाई है, परिणाम अच्छा है, व्यक्तिगत नुकसान है तो भी मुझे स्वीकार है, परिणाम बुरा है, व्यक्तिगत लाभ है तो भी मुझे अस्वीकार है। और कॉपरेटिव सोच व्यवहारिक सोच है, व्यापार आप कैलकुलेटिव सोच से चला सकते हो, पर परिवार में तो आपको कॉपरेटिव बनना होगा, और कॉपरेटिव से ही नहीं जीवन को प्रगतिशील बनाना है तो आपको कंस्ट्रक्टिव सोच लेकर के चलना है। पड़ताल कीजिए कि मेरी सोच कैसी है। क्या मानूं, पहले नंबर, दूसरे नंबर या तीसरे नंबर, कौन सी सोच मानूं? महाराज तीनों, जब जो मौका आ जाए हम तो वैसा सोच लेते हैं। क्या सोच? संत कहते हैं सोच के स्तर से ही मनुष्य का व्यक्तित्व निर्भर करता है। अच्छी सोच बनाओ, मधुर सोच, कंस्ट्रक्टिव। कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव होते हैं, उल्टाई सोचते हैं। उल्टा सोचने वालों की जिंदगी उल्टी और सीधी सोच रखने वालों की जिंदगी सीधी। आपको तय करना है मुझे मेरा जीवन कैसा रखना है। देखिए, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या बच्चे हैं कोई? आ जा बेटा, दोनों बच्चे आ। एक बात आज आपको दिखाता हूँ। एक बच्चा वो पीली टी शर्ट वाला, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ यहाँ सामने आओ, यहीं सामने, नीचे नीचे आ जाओ। इनको माइक दो तो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ, आमने सामने खड़े हो जा। एक दूसरे, एक इधर, यहाँ यहाँ खड़े हो, एक दूसरे को देखो। इधर खड़े हो तुम इधर खड़े हो, हाँ। दोनों को माइक दो, दोनों को माइक देना है, एक माइक और दो। चलो उस बच्चे को माइक दो पहले। बेटे, अंग्रेजी में कुत्ते को क्या बोलते हैं? डॉगी। हाँ, डॉगी, डॉग बोलते हैं ना। स्पेलिंग बोलो डॉग की, स्पेलिंग बोलो तो। डी ओ जी। माइक पे बोलो, बोलो 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 बोलो। डी ओ जी। डी ओ जी, ये क्या है? डॉग। अच्छा, इसको पलट दे तो क्या होगा बोलो तुम? इसको पलट के पढ़ेंगे तो क्या होगा? गॉड। हाँ, गॉड। क्या आप स्पेलिंग बोलो ना? जी ओ डी, गॉड। जी ओ डी, गॉड। मतलब समझ में आया? डी ओ जी डॉग और जी ओ डी गॉड। गॉड की स्पेलिंग है जी ओ डी, इसको पलट दें तो डी ओ जी। समझ में? सीधी सोच रखोगे तो जी ओ डी गॉड बनोगे, और उल्टी सोच रखोगे डी ओ जी डॉग बनोगे। तय आपको करना, बस हो गया काम, जा। समझ में आ गया ना? ये सोच है, सोच ही हमारा उत्थान करती है और सोच ही हमारा पतन। सोच से ही हमारा जीवन चलता है और सोच से ही हमारा जीवन गिरता है।
मनुष्य को चाहिए कि वो अपने सोच के स्तर को परखे, अच्छी सोच रखे। व्यक्तित्व की रीढ़ है सोच। अच्छे सोच वाले मनुष्य ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, ये बैकबोन है। आज दुनिया में जितने लोगों ने भी ऊंचाइयों का स्पर्श किया है वो अपने सोच के बदौलत है। तो हमें अपने सोच के स्तर पर विचार करना है, आखिर मेरी सोच कैसी है, मेरे सोचने का ढंग कैसा है, मेरी सोच का स्तर क्या है, उसमें माधुर्य है या नहीं। कंस्ट्रक्टिव सोच ही मधुरता का आधार है। मुझे ये बना करके चलना है तो सोच में मधुरता कैसे लाना है, इसकी चर्चा आखिरी में करूंगा। मुझे चारों बातें करनी है। दृष्टि में मधुरता, दृष्टि में मधुरता का मतलब दृष्टि की मधुरता का मतलब है दृष्टि की पवित्रता। दृष्टि में पवित्रता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या किसी भी घटना या प्रसंग के प्रति तुम्हारे मन में पवित्रता होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए। तुम अपनी दृष्टि को देखो, वो पवित्र है या दूषित। जैसे कल मैंने एक सज्जन का उल्लेख किया था जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी व्यथा कहते हुए कहा था, महाराज क्या करूं, भगवान के दर्शन के समय भी यदि किसी युवती पर दृष्टि पड़ जाए तो मन विकारी बन जाता है। ये कौन सी दृष्टि है, पवित्र या अपवित्र, मधुर या कटुक? आप किसी को मधुर दृष्टि से देखो तो देखने का अंदाज अलग होता है, और किसी को कड़वी निगाह से देखो तो अंदाज अलग होता है। मधुर दृष्टि से देखने में देखने वाला उसका दर्शन करता है, और कड़वी निगाह से देखा नहीं जाता, घूरा जाता है। कहते हैं ना, कड़वी निगाह से घूर रहा है। बात समझ में आ गई। दृष्टि में मधुरता भी है, दृष्टि में कड़वापन भी है। ये किसके बदौलत आता है, अभिप्राय के बदौलत आता है। अंदर का जैसा अभिप्राय वैसी दृष्टि। मां एक बच्चे को जब गोद में खिलाती है तो कभी कभी उसे प्यार से चिकोटी लेती है, बच्चा भी मुस्कुरा उठता है, और कभी माँ टेढ़ी दृष्टि से देखती है तो बच्चा झट रो देता है। एक नन्हा सा बच्चा भी दृष्टि के खेल को समझता है, उसे पता है कौन सी दृष्टि हंसाने वाली है और कौन सी दृष्टि रुलाने वाली है, कौन सी दृष्टि मधुर है और कौन सी दृष्टि कटुक है। एक अबोध बच्चा भी समझता है। अपनी दृष्टि कैसी ये देखो, दूसरे की दृष्टि परखने की कोशिश मत करना। मेरी दृष्टि कैसी है स्वयं के प्रति, अपने परिवार परिजन के प्रति, अपने अड़ोसी पड़ोसी के प्रति, इष्ट मित्रों के प्रति, अपने धर्म समाज संस्कृति और देश के प्रति, कैसी दृष्टि बोलो। मधुर दृष्टि का उदाहरण, मैं एक उद्योगपति की फैक्ट्री में रुका। मधुर दृष्टि क्या होती मैं आपको बताता हूं। 265 कर्मचारी उनकी फैक्ट्री में थे,
सबको उन्होंने लाकर के आशीर्वाद दिलाया, एक एक से पैर छुड़वाया, आशीर्वाद दिलाया, महाराज आप इनको आशीर्वचन दो। सारा काम रोक कर 6 घंटे के लिए फैक्ट्री का सारा काम बंद कर दिया था। आशीर्वाद देने के बाद महाराज इनको आप आशीर्वचन दो। मैंने उनसे पूछा, आप इन एम्प्लाइज के विषय में क्या सोचते हो, आपकी इन एम्प्लाइज के विषय में क्या दृष्टि है? बोले महाराज मैं यही चाहता हूँ कि सब मेरे जैसे बन जाए, आप ऐसा आशीर्वाद दो। सब एम्प्लाइज मेरे जैसे बन जाए ये आशीर्वाद दो। जिसमें उनका 4th क्लास का भी स्टाफ था, एक स्वीपर भी उसमें शामिल था। लेकिन कितनी उदात्त दृष्टि, सब मेरे जैसे बन जाए ऐसा आशीर्वाद दो। मैं आपसे पूछता हूं, जिस व्यक्ति की ऐसी दृष्टि होगी कौन उसका कायल नहीं होगा? होगा। मैं अशोक जी के वंडर सीमेंट में गया तो वहां पर उन्होंने बातचीत में मालूम पड़ा कि 4th क्लास के स्टाफ के लिए भी एयर कंडीशन की सुविधा है। पूछा तो बोला महाराज वो भी आदमी है, उन्हीं से तो हम कमा रहे, वो अच्छे से रहेंगे तो काम अच्छे से करेंगे, हम जैसे अपनी सोचते हैं वैसे उनकी भी सोचना चाहिए, वो भी तो इंसान है। ये दृष्टि। दूसरा, अरे वो तो एम्प्लाई है, 4th ग्रेड का है, उसका स्टेटस क्या है? वो तो काम चला लेगा, उसके लिए पंखा ही पर्याप्त, तो घर में थोड़ी एसी यूज करता है। सोच में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। जिस मनुष्य की सोच ऊंची होती है उसकी दृष्टि हमेशा विशाल और व्यापक बनती है, और जिसकी सोच छोटी होती है उसकी संकुचित दृष्टि होती है। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाइए, देखने का नजरिया मधुर होना चाहिए, व्यापकता से सोचने की कोशिश कीजिए। दृष्टि में मधुरता। नंबर 3, वाणी में मधुरता। ये तो चारों टॉपिक ऐसे कि एक एक घंटा भी कम है, लेकिन मुझे तो अभी शॉर्ट में ही निपटाना है क्योंकि अभी बहुत सारे हाइकूज बाकी है। वाणी की मधुरता, इसका तो सबको अंदाज और अनुभव है। दूसरों की मृदु वाणी से सभी प्रभावित होते हैं, लेकिन अपनी वाणी को मधुर बनाए रखने की चेष्टा कितनी करते हैं, कितनी करते हैं? एक युवा, वो किसी से भी बात करे, खासकर अपने घर वालों से बात करता था, तो बड़े तीखे लहजे में। एक दिन संयोग था वो मेरे पास था और कॉल आई, किसी का कॉल था, उठाया, कमरे के बाहर गया, आवाज़ मेरे कानों तक आई, हेलो। इतनी मधुरता से बोला, हमने कहा भैया जितनी, कौन था वो? बोला महाराज हमारा एक ग्राहक था। हम बोले जितनी मधुरता से तुमने अपने ग्राहक से बोला, कभी अपनी घरवाली से वैसी मधुरता से क्यों नहीं बोलते? क्यों ये चूक? कभी आपने सोचा? अपनी वाणी में मधुरता लाने का संकल्प होना चाहिए। और एक बात सदैव ध्यान रखो, किसी भी व्यक्ति से हमारे संपर्क का जो पहला माध्यम है वो हमारी वाणी है। मेरे विचार का आकलन भी आप मेरे वचनों से करोगे। अगर वाणी अच्छी है, मधुर है, बोलने का लहजा अच्छा है, तौर तरीका ठीक है, तो मन प्रभावित होता है, व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होता है,
फिर बाद में उसके निकट जाने के बाद उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दिखती है, बात की बात है, लेकिन पहला आधार वाणी है। पहला ही इम्प्रेशन गलत हो गया तो क्या बोलते हैं आप लोग, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। संत कहते हैं मुख से मीठे बोल बोलो, वाणी में रस घोलो, अमृत जैसे वचन झरने चाहिए। ऐसा बोलो कि सुनकर सामने वाला अतृप्त भावों से तुम्हारी तरफ देखते रहे। और बोलो और बोलो और बोलो, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो जो कि कौन सा राग अलाप रहे। वचनों में मधुरता, जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में खटास, कोई न फटके उसके पास। कौन फटकना चाहेगा? चाहिए हमें कि मैं अपने वचनों में मधुरता बना के रखूं। बचपन में ही हम लोगों को ये पाठ पढ़ाया गया, ऐसा ऐसी वाणी बोलिए, बोलो पूरा बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। ये किसको पढ़ाने सुनाने के लिए पढ़ा है? किसको सुनाने के लिए पढ़ा है? तीसरी चौथी क्लास में पढ़ाया गया, आज भी याद है। दूसरों को सुना देते हैं लेकिन खुद औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए की जगह आप हो गर्म होए औरों को भी उबाले। क्या है ये? क्या वाणी में संयम होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। जो बात असहमति भी प्रकट करने की हो, आपत्ति भी प्रकट करने की हो, उसे भी मधुरता से कहा जा सकता है। और जो काम माधुर्य से होता है वो कड़वाहट में नहीं होता। मुझे ये ध्यान रखना है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, उसका प्रभाव भी है लेकिन बोलने में अक्खड़ है, कहें कि मुंह का कड़वा है, और एक व्यक्ति साधारण है पर व्यवहार बहुत मधुर है, वाणी बड़ी मीठी है, आप किससे प्रभावित होंगे? पहले वाले से या बाद वाले से? ना बाद वाले से प्रभावित होंगे। तो मैं अपने व्यक्तित्व को किस दिशा में ले जा रहा हूं, कभी सोचा? मैं चाहता तो हूं कि लोग मुझे लाइक करें। कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं लोग मुझे लाइक करें, मेरी लाइकिंग बढ़े। पर भाई लोग मुझे लाइक करें उस लायक काम भी तो करो। वो कहाँ है? उधर तो दृष्टि नहीं, तो काम कैसे होगा? वचनों में मधुरता हमें विकसित करना है। आखिरी में कुछ सूत्र दूंगा जो संपूर्ण व्यक्तित्व को माधुर्य के रस से भरने का एक माध्यम बनेगा, और वही आज के प्रवचन का मूल प्रतिपाद्य भी है। चौथी बात,
व्यवहार में मधुरता। व्यवहार में मधुरता का मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ आपका कोई भी व्यवहार ऐसा हो जिससे सामने वाले व्यक्ति के मन में प्रसन्नता हो, आह्लाद हो, ऐसा नहीं जिससे उसको आघात पहुँचे, चोट पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, कष्ट पहुँचे। मेरा व्यवहार औरों के प्रति कैसा है ये मुझे देखना है। विवेकानंद जी जब भारत से बाहर धर्म प्रचार के लिए जाने को थे, अपनी माँ से आशीर्वाद लिया। माँ ने कहा बेटा ठीक है मैं आशीर्वाद देती हूँ, पहले वो चाकू है वो मेरे मुझे दे, चाकू मुझे दे, उठा के चाकू मुझे दे। उन्होंने वो चाकू उठाई, बेंट माँ की तरफ और चाकू जो थी वो अपने हाथ की तरफ रखा, बेंट माँ की तरफ बढ़ाया। माँ ने कहा बेटा तू वाकई में धर्म के प्रचार का अधिकारी है, क्योंकि मैंने तेरे व्यवहार और तेरे सोच को अच्छे तरीके से देख लिया। तूने जिससे हाथ कटने की संभावना वो अपनी तरफ रखा है, मेरे हाथ में बेंट दिया है, ताकि तेरे ये इस बात का प्रमाण है कि इस घड़ी में तुझे मेरा ख्याल है। हर व्यवहार में औरों के हितों का ख्याल रखने का नाम ही व्यवहारगत माधुर्य है। कितना रख पाते हैं मेरे किस व्यवहार का क्या परिणाम आएगा कभी सोचते हो? कहीं मौका आया किसी को लताड़ने का तो लताड़ दिया, उसका इंपैक्ट क्या होना है? सबके प्रति मधुर व्यवहार ये हमारे जीवन में होना चाहिए। और जिसका व्यक्तित्व गहरा होता है वो हर स्तर पर मधुर होता है। गन्ना का उदाहरण दिया है, गन्ना सर्वांश में मीठा होता है, उसमें गांठ है लेकिन फिर भी वो अपने गांठ के कारण नहीं अपने मिठास के कारण जाना जाता है। हमारे जीवन में अगर कोई दुर्बलता हो तो भी यदि हमने मधुरता को आत्मसात कर लिया तो मेरी सारी दुर्बलताएं मेरी अच्छाई का आधार बनेगी। गन्ना का की वो गांठ ही नए गन्ने को जन्म देती है। अब सवाल है मधुरता लाएं कैसे? महाराज आप लोग जो बोलते हो वो तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है, सोचते भी हैं, चाहते भी हैं कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा बनूं, पर बन नहीं पाते। आप तो कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे हम अच्छे बन जाएं। यही है ना भाव? सूत्र बताता हूं। आप चाहते हैं कि मेरा जीवन मधुरता से ओतप्रोत हो तो आप रोज भावना योग कीजिए, और भावना योग में एक प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझमें मधुरता रहे, हे प्रभु मुझमें मधुरता रहे, मेरा जीवन माधुर्य से भरे। हे प्रभु मुझमें मधुरता रहे, मेरा जीवन माधुर्य से भरे। ये एक प्रार्थना और एक ऑटो सजेशन, मुझे सबके प्रति मधुरता रखना है, मुझे अपने संबंधों में मधुरता रखनी है, मुझे अपने संबंधों में मधुरता रखनी है, मुझे अपने संबंधों में मधुरता रखनी है, मुझे मधुरता रखनी है, मुझे मधुरता रखनी है, मुझे मधुरता रखनी है। ये आप बार बार दोहराइएगा
तो जब भी आपको तो पता तो लग जाता है कि कड़वाहट कहाँ है। ये संस्कार आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगे कि मुझे मधुरता रखनी है, मुझे मधुरता रखनी है, मुझे मधुरता रखनी है। तो जब भी कोई अप्रिय प्रसंग आएगा और आप ट्रैक से नीचे उतरने को होंगे, आपका सबकॉन्शियस कहेगा तुझे मधुरता रखनी है मधुरवन, मधुरता रखनी है मधुरवन, मधुरता रखनी है मधुरवन। ये आत्म जागरूकता जीवन में बड़ा बदलाव ले आएगी। ये एक भाव। दूसरा, जब सुबह उठे तो एक प्रार्थना ये करे, हे प्रभु मेरे सबसे मधुर संबंध हो, मेरा व्यवहार मधुर हो, मेरी वाणी मधुर हो, मेरी दृष्टि मधुर हो, मेरी सोच मधुर बने। ये कामना तो आप करो। ये तो लोग सोचते हैं, प्रभु आज दुकान खूब चले, आज पैसे की अच्छी कमाई आए, आज ग्राहक अच्छा आ जाए, आज रुका हुआ पेमेंट आ जाए या अटका हुआ केस सुलझ जाए। दुनियादारी की बातें तो तुम रोज सोचते हो, हो सकता भगवान के पास जाकर के भी यही विचार करते हो, लेकिन कभी ये क्यों नहीं सोचते हैं, प्रभु आज मेरा जीवन मधुर बने, आज का ये दिन नया दिन मिला है, मैं मधुरता के साथ जीऊं, मेरी सोच मधुर बने, मेरी दृष्टि मधुर बने, मेरी भाषा मधुर बने, मेरा व्यवहार मधुर बने। ये भावना अपने अंदर जगाओ। मैं आपसे पूछता हूं, धन पैसे की उपलब्धि जीवन की उपलब्धि है या जीवन का माधुर्य जीवन की उपलब्धि है? किसे आप परम उपलब्धि के रूप में गिनोगे? किसे, धन पैसे को या माधुर्य को? नंबर दो पसंद सब नंबर दो को करते, पर दूसरे तरह का नंबर दो करते हो। हमें वो अपनाना पड़ेगा, उस तरफ अपनी दृष्टि ले जानी होगी, तब कहीं जाकर हम कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। तो गुरुदेव का ये संदेश हम सबके जीवन को मधुर बनाने का है। मधुर बनो, दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय है, दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय है। हमें वो कोशिश करनी चाहिए, स्वाभाविक मधुरता जीवन में आनी चाहिए। वस्तुतः बचपन में मधुरता सब में होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जीवन में कृत्रिमता और जटिलताएं जुड़ना शुरू हो जाती है, हमारा स्वाभाविक माधुर्य नष्ट हो जाता है। हर बच्चे का व्यक्तित्व बड़ा मधुर दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता? बच्चों की हर हरकतें अच्छी लगती है। कुरल काव्य में लिखा है कि बांसुरी का स्वर मीठा और सितार का स्वर मधुर है, बांसुरी का स्वर मीठा और सितार का स्वर मधुर है, ऐसा वे ही कहते हैं। ध्यान से सुनना, बांसुरी का स्वर मीठा और सितार का स्वर मधुर है, ऐसा वे ही कहते हैं जिन्होंने बच्चों की तुतलाती वाणी की माधुर्य का रसास्वादन नहीं किया, जिन्होंने बच्चों की तुतलाती वाणी के माधुर्य का रसास्वादन नहीं किया। इसका मतलब क्या? बच्चों में निश्चलता रहती है, और जब तक जीवन में निश्चलता है माधुर्य है, लेकिन जैसे जैसे अहंकार उमड़ने लगता है, हमारे अंदर की दुर्बलताएं बढ़ने लगती है, जीवन में कृत्रिमता का विस्तार हो जाता है, स्वाभाविक माधुर्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, जीवन कड़वा बन जाता है। तो हम अपने जीवन में सहज माधुर्य को विकसित करने की कोशिश करें, जिससे हम जीवन को आगे बढ़ा सकें। ये हमें प्रयास करना चाहिए। आज के संदर्भ में इतनी ही बात। जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेप लेवर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा प्रभा देवी मुंबई 4000025।